सभी का स्वागत है। इस वक्त एक बड़ी खबर, उत्तराखंड के हीराखान आश्रम में लालचंद कटारिया। आश्रम के प्रति पायलट परिवार की रही है आस्था। स्वर्गीय राजेश पायलट यहां आते रहते थे आश्रम में, और उनको यहां आने के बाद चमत्कारिक अनुभूति हुई। रमा पायलट और सचिन पायलट का आना जाना रहा, और कटारिया को आने के लिए प्रेरित किया विजय गुप्ता ने। विजय गुप्ता रह चुके हैं स्वर्गीय पायलट के निजी सचिव, और रूहानी शक्तियों का केंद्र माना जाता है ये आश्रम। सियासी वैराग्य के बाद कटारिया पहुंचे इस आश्रम में। तो उत्तराखंड के हीराखान आश्रम में लालचंद कटारिया पहुंचे हुए हैं। आश्रम के प्रति पायलट परिवार की भी आस्था रही है। वक्त वक्त पर पायलट परिवार के जो सदस्य हैं यहां आते रहे हैं। रमा पायलट और सचिन पायलट का आना जाना रहा है इस आश्रम में, और कटारिया को आने के लिए प्रेरित किया विजय गुप्ता ने। विजय गुप्ता रह चुके हैं स्वर्गीय पायलट के निजी सचिव। रूहानी शक्तियों का केंद्र माना जाता है ये आश्रम, जहां लालचंद कटारिया पहुंचे हैं। सियासी वैराग्य के बाद कटारिया यहां पहुंचे इस आश्रम में। तो कांग्रेस में लगातार हार से हाहाकार मचा हुआ है, और इसी वजह से देश भर से लगातार इस्तीफों का दौर जारी है। इसी कड़ी में और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी योगेश शर्मा जुड़े हुए हैं। योगेश, आप सियासी वैराग्य से निकलकर आश्रम की तरफ जाना लालचंद कटारिया का, किस तरीके से देखें इसे? देखिए, ये एक तरह का आध्यात्मिक जो कहा जा सकता है वो उससे जुड़ा हुआ पूरा मसला है। और लालचंद कटारिया क्योंकि राजनीति से वैराग्य की बात है, और यहाँ जो गए हैं हीराखान की वो जगह है जो अध्यात्म का एक बड़ा केंद्र माना जाता है। राजेश पायलट यहाँ पर लगातार वो आते रहे, उनके परिवार के सदस्य आते रहे, और वहाँ से जुड़े कुछ लोगों के साथ जब पहली बार लालचंद कटारिया आज से कुछ साल पहले वहाँ गए थे, तब से ही उनका उस पूरे साधना केंद्र से जुड़ाव उनका हुआ, वहाँ से लगाव हुआ। और जब उन्होंने राजनीति से वैराग्य की बात की, मंत्री पद छोड़ने की बात की, उसके बाद उन्होंने तय कर रखा था कि मुझे वहीं जाना है, तो अब वो वहीं पहुंचे हुए हैं। वहीं एक तरह से कहा जाए उन्होंने साधना में लीन है, और एक तरह का मन में जो भक्ति हुआ भाव जगह है, और वैराग्य राजनीति से उसका भाव जगा है। ये अपने आप में कई राजनीतिक विश्लेषकों के लिए भी सोचने का विषय है कि जो आदमी केंद्र में मंत्री रहा है, राजस्थान सरकार में इस वक्त मंत्री है, बड़ा जाट नेता है, लालचंद कटारिया के पिताजी भी विधायक रहे हैं आमेर से, इस तरह से कहा जाए तो राम प्रसाद कटारिया जो उनके फादर थे, इसके बाद लालचंद कटारिया एक कटारिया परिवार की पीढ़ी, इसके अलावा राजनीतिक परिवारों से उनका संबंध है। यशपाल मिर्जा उनके समधी लगते हैं जी, जो मिर्जा जो विधायक हैं वो उनके जमाई लगते हैं। एक पूरा पॉलिटिकल फैमिली और किसान कौम से आने वाले व्यक्ति के मन में इस तरह का भाव देखना, राजनीतिक क्षेत्र को छोड़ना, अपने आप में मुझे लगता है कि दुर्लभ घटना होगी राजनीति। अभी भी कई लोग मुझसे पूछते भी हैं, सवाल भी करते हैं कि ये सब प्लान्ड है, ये सब एक पॉलिटिक्स का हिस्सा है। लेकिन जैसे ही मेरी खुद से लालचंद कटारिया की बात हुई तो उन्होंने पूरे घटनाक्रम को केवल अध्यात्म से जोड़ा है, और ये बिल्कुल क्लियर किया है कि उन्होंने कहा मेरा कोई भी मन, मेरा अब राजनीति में बिल्कुल भी मेरी इच्छा नहीं है, ना मैं मंत्री रहना चाहता हूँ, और राजनीति में अब ना मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ भविष्य के अंदर। एक बड़ी बात है जो अब एक तरह का, अगर इस तरह का घटनाक्रम वास्तव में सामने आता है, वो जब वापिस लौटेंगे साधना के बाद जब जयपुर आएंगे तब कई चीजें हमारे सामने आएंगी। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में यही सबसे बड़ी बात है कि लालचंद कटारिया ने यह तय कर दिया कि वो अब राजनीति नहीं करेंगे, और अब जैसा उन्होंने मुझे कहा कि
परिवार के अंदर भी इस तरह की चर्चा हुई थी उनके फैमिली के अंदर, तो ये पूरी पॉलिटिकल फैमिली है जी, फैमिली भी उनके इस कदम को लेकर उनके साथ खड़ी, अगर राजनीति छोड़ते हैं तो फैमिली भी उनके साथ खड़ी, तो ये बहुत बड़ी घटना है। एक्चुअली जब उनके फादर विधायक बने थे, उनके फादर विधायक रहे थे, उनके कई सालों के बाद, राजचंद कटारिया राजनीति में काफी सक्रिय नहीं थे, इसमें उनको सक्रियता काफी दिनों बाद वो सक्रिय हुए, और जब वो सक्रिय हुए उससे पहले उनके फादर की मूर्ति का अनावरण एक कार्यक्रम हुआ था कई साल पहले। उस अनावरण कार्यक्रम में नटवर सिंह, डॉक्टर हरी सिंह और तमाम डॉक्टर कमला, ये बड़े बड़े जाट नेता आए थे। उसके बाद राजनीतिक तौर पर वो सक्रियता उनकी बढ़ी, फिर आगे उनको कांग्रेस का टिकट मिला, वो विधायक बने, प्रसिद्ध जोशी को उसके नजदीक रहे। बिल्कुल, तो कई अहम पदों पर रह चुके हैं लालचंद कटारिया, बड़ी जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं, लेकिन अब इस वक्त की तस्वीरें जो निकलकर सामने आ रही हैं, माना जा रहा है कि वो उत्तराखंड पहुंचे हुए हैं और इस आश्रम में, जिसका पायलट परिवार का भी काफी लगाव रहा इस आश्रम से, और स्वर्गीय राजेश पायलट भी यहां आया करते थे। इस आश्रम में रूहानी शक्तियों का एक केंद्र माना जाता है और यहां पर उन्हें चमत्कारिक अनुभूति भी हुई थी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका योगेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें जानकारी देने के लिए। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी।